लाइव शोध सत्य बातमीचा। नमस्कार, मी गौरी, महाराष्ट्र न्यूज लाइव मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। या बातमीचे प्रायोजक आहे श्री घनवा डेव्हलपर्स। कांद्याला किमान आधारभूत किंमत अंतर्गत योग्य दर देता येईल का? त्यात काही अडचण असेल तर सॅटेलाइट सर्वेच्या माध्यमातून उचित निर्यात धोरणाचा अवलंब करून शिरूर आणि नाशिक लोकसभा मतदारसंघातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देता येईल का? तसेच कशा प्रकारे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट दर निश्चिती करता येईल याचा केंद्र सरकार विचार करणार आहे का? अशा अनेक प्रश्नांचा भडीमार खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान केलाय। केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी आपल्या विस्तृत निवेदनात कृषी निर्यात आणि कृषी कमोडिटी निर्यातीबाबत माहिती दिली आहे, परंतु या संदर्भात जुन्नर तालुक्यातील दशरथ लक्ष्मण केदारी या तरुण शेतकऱ्याने कांदा दरात घसरण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या पंतप्रधानांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आत्महत्या केल्याच्या घटनेकडे खासदार डॉक्टर कोल्हे यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलंय। ते पुढे म्हणाले की किमान आधारभूत किमतीत कांद्याचा समावेश केला जात नाही, मात्र महागाईचा विचार करताना पहिला फटका कांद्याला बसतो। कांदा उत्पादनाचा खर्च साधारणपणे 1200 ते 1300 प्रति क्विंटल येतो आणि 900 ते 1000 प्रति क्विंटल इतका कमी दर मिळतो, त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही, याकडे खासदार डॉक्टर कोल्हे यांनी लक्ष वेधलंय। कांदा उत्पादकांच्या अडचणी विचारात घेऊन कांद्याला किमान आधारभूत किंमत अंतर्गत योग्य दर देता येईल का? त्यात काही अडचण असेल तर सॅटेलाइट सर्व्हेच्या माध्यमातून उचित निर्यात धोरणाचा अवलंब करून माझ्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील आणि नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देता येईल का? तसेच कशा प्रकारे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट दर निश्चित करता येईल याचा केंद्र सरकार विचार करणार आहे का? असा एकामागोमाग एक प्रश्नांचा भडीमार खासदार डॉक्टर कोल्हे यांनी केलाय। क्वेश्चन नंबर 81 डॉक्टर अमूल राम सिंह कोल्हे। माननीय मंत्री जी, सप्लीमेंट्री सर, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में विस्तार से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट की बात कही है, लेकिन मैं एक बहुत ही दुखद घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर तहसील से दशरथ लक्ष्मण केदारी इस किसान ने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए आत्महत्या कर ली और उसका कारण था प्याज के दरों में गिरावट। सर, प्याज एमएसपी में हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो पहली गाज प्याज के दरों पे गिरती है। आज प्याज का उत्पादन खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1200 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो सर प्याज की जो कीमतें मिल रही है, किसान को जो मूल्य मिल रहा है वो सिर्फ 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल रहा है। जब हम किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं तो जहां प्याज की लागत का खर्चा 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल है वहां इतना कम मूल्य है। तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि प्याज को एमएसपी के दायरे में क्या हम ला सकते हैं, और अगर इसमें कोई दुविधा हो तो प्याज के जो टोटल प्रोडक्शन एरिया है, जो मेरा चुनाव क्षेत्र शिरूर लोकसभा और नासिक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सैटेलाइट सर्वे के तहत निर्यात धोरणों को उचित तरह से उसका अवलंब करके प्याज उत्पादक किसानों को राहत दी जाए और उनके उत्पादन खर्चे से उनको 1.5 गुना किस प्रकार से दर निश्चिति हो, इसके बारे में क्या मंत्री जी विचार कर सकते हैं? महाराष्ट्रातील लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।